वैभव सोनकर की खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय शंकर अग्निहोत्री, जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राय बरेली ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि गांधी नेहरू परिवार का रायबरेली से 5 पीढ़ियों का रिश्ता है। गांधी नेहरू परिवार ने रायबरेली का विकास किया, पहचान दी। गांधी परिवार से कोई भी चुनाव लड़ेगा, ये आम जनमानस की मांग है। इस बार भाजपा को 2 गुने वोटों से हराया जाएगा। ब्यूरो चीफ वैभव सोनकर की खास रिपोर्ट देखिए। विजय शंकर अग्निहोत्री जी जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी रायबरेली के हैं। सर, इस बार रायबरेली से आवाज एक उठ रही है युवाओं की कि प्रियंका गांधी इस बार यहां से चुनाव लड़ें। देखिए, गांधी नेहरू परिवार का जो रायबरेली से रिश्ता है वो 5 पीढ़ियों का रिश्ता है। 1952 से आदरणीय फिरोज गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की मामी आदरणीय श्रीमती शीला कौल जी, उनके ही परिवार के आदरणीय अरुण नेहरू जी, राजीव गांधी जी के मित्र कैप्टन सतीश शर्मा और 2004 में आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी सांसद रही हैं। तो ये गांधी नेहरू परिवार की सीट है। गांधी नेहरू परिवार ने रायबरेली को विकास दिया, पहचान दी। आज अगर ये मांग उठ रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, तो ये तो रायबरेली के जनमानस में एक ही आवाज़ है कि गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़े। सोनिया गांधी जी राज्यसभा से चुनी गई, उन्होंने जो मार्मिक पत्र लिखा रायबरेली के लोगों को कि जो स्नेह जो सम्मान रायबरेली ने दिया, उनके परिवार को भी आगे भी इस तरह की सेवाएं और सम्मान संभालने की कोशिश करेंगे। गांधी परिवार कोई भी लड़े, राहुल गांधी जी लड़ें, प्रियंका गांधी जी लड़ें, आम जनमानस की मांग है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं, आम जनमानस की मांग है कि आपकी बार जो पिछला चुनाव था 2019 का, उससे दुगने तिगुने मतों से बीजेपी को कांग्रेस यहाँ हराएगी। इस समय जो माहौल चल रहा है रायबरेली जिले का जी, नेताओं का पार्टी इधर से उधर बदल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, क्या है कि कौन जाता है, वही जाता है जिसके पीछे कोई लेगुना लगा होता है। ये आया राम और गया राम के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रायबरेली सबको जानती है। रायबरेली ने, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने सबको कुछ ना कुछ किया है। गांधी परिवार के सेम का विकास हुआ, रायबरेली का आम जनमानस का विकास हुआ, तो उनका भी विकास इसी उस कांग्रेस से हुआ। अगर इस विकास को भूल करके अब वो बड़बोलापन में बात कर रहे हैं, ये तो बेमानी है। इस पर कोई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रायबरेली की जनता तैयार है कि आपकी बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी वो दाम नहीं लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अभी आपके यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं जी, अभी आपकी कोई जारी नहीं हुई, कब तक जारी हो सकती है? ये हमारे हाईकमान का काम है, CWC का काम है, पार्टी नेतृत्व का काम है। वो उस विषय पे काम कर रहा है और जब तय कर लेगा तो वो डिक्लेयर करेगा। हम तो स्वागत करने के लिए तैयार है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आवे, राहुल जी आवे, प्रियंका जी आवे, कोई भी आवे, हम उनको मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब की बार यहाँ से आपके संगठन से अभी तक जी टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा है, लेकिन होल्डिंग्स लग रही है कि मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप अभी देखिए, अभी राहुल जी आए जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी आए। राहुल जी के आने पे आपने देखा कि रायबरेली में सैलाब उमड़ा, लाखों लोग जो है आए। तो आज ये रायबरेली में होर्डिंग लगाने की तो स्वागत है, नौजवान कार्यकर्ता है, सम्मान करते तो नेता के सम्मान में होर्डिंग तो लगती। अभी अभी आपकी पार्टी से कुछ युवाओं ने इस्तीफा दिया है, क्या कारण हो सकता है? कौन सा युवा इस्तीफा दिया? मैं तो नहीं समझता कौन सा युवा था जो इस्तीफा दिया पार्टी से। मीडिया द्वारा पता चला है कि कुछ युवाओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं किसी युवा ने इस्तीफा दिया है। और देखिए, पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्ध है, जो लॉयल है, जो निष्ठावान है, जो प्रतिबद्धता है, जो पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानता है, वो आने जाने पे विश्वास नहीं करता है। ये वो लोग अवसरवादी होंगे जो आए होंगे अवसर कुछ पाने के लिए, कुछ नहीं मिला होगा चले गए होंगे दूसरे के, वहाँ कुछ नहीं पाएंगे वहाँ से चले आएंगे, फिर चले आएंगे तीसरे के पास जाएंगे। ये अवसरवादता है, इसको इसमें ये तो आना जाना लगा रहता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय अग्निहोत्री जी थे। मैंने उनसे बातचीत की और रायबरेली की स्थिति को जाना। धन्यवाद विजय जी, आपके आपको मेरे चैनल में समय देने के लिए, पी लाइव 100 टीवी के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।